क्या आपके मन में खुदकुशी के विचार आते हैं? इसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहां प्रैक्टिस करता हूं। हर इंसान के मन में कभी ना कभी खुदकुशी के विचार आते हैं, आते हैं, निकल जाते हैं। एक्सेप्शंस दे प्रूव द रूल, मतलब ऐसा नहीं है कि सभी को आते, अपवाद तो होता ही है, मगर बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे बार जिंदगी में कभी ना कभी खुदकुशी के विचार आते हैं। उनको नर्वसनेस लगता है, मूड डाउन लगता है, डिप्रेस लगता है। ऐसा स्टडीज में पाया गया है कि जो खुदकुशी करते हैं लोग, उसमें से 95% लोगों को डिप्रेशन होता है, और डिप्रेशन के 40-50% लोगों को, उससे भी ज़्यादा लोगों को सुसाइड के विचार आते रहते हैं। क्या होता है कि डिप्रेशन में दिमाग में इतने निगेटिव थाट चलते रहते हैं, इतने निगेटिव थाट चलते हैं, एक के पीछे एक, रिपीटेटिव थाट्स, और उसके साथ साथ मतलब कि मैं कुछ काम का नहीं हूँ, मेरी कोई कीमत नहीं है, मेरे जीने का कोई मकसद नहीं है, मेरे जी के फायदा क्या है, ये दुनिया में कुछ पड़ा नहीं है, अभी कुछ संभव नहीं है, कोई आशा दिखती नहीं है, होपलेसनेस है, हेल्पलेसनेस है। तो ऐसे इसमें फिर आदमी को लगता है कि नहीं, अभी मैंने मरना वही ठीक है, अभी एक ही रास्ता बचा है कि मैं मर जाऊँ, यहाँ से निकल जाऊँ, क्योंकि अभी जो हो रहा है वो मुझे सहन नहीं हो रहा है। तो डिप्रेशन एक बहुत बड़ा कारण है। और कुछ कारण है कि जैसा आपके सेल्फ एस्टीम को चोट पहुंचती है तो आदमी सुसाइड की विचार करता है। सेल्फ एस्टीम को चोट पहुंचना मतलब मेरी क्या इज्जत है, मेरा क्या स्टेटस है, और वो स्टेटस समझो डाउन हो गया तो आदमी सुसाइड करता है। समझो मैं महीने का 5 लाख रुपए कमा रहा हूँ, एकदम सडनली बहुत लॉस हो गया, बैंक करप्ट हो गया, बैंक के लोग घर पर आ रहे, इज्जत चली गई, अभी 50,000 भी कमाना मुश्किल है, घर चलाना मुश्किल है, तो मेरा एक स्टेटस ही डाउन हो गया, लोगों के नज़र में मैं उतर गया, तो मैं बोलता अभी मैं सुसाइड कर लूँगा। तो सेल्फ एस्टीम डाउन होना, इज्जत निकल जाना, इज्जत चली जाना, और अपने आँखों में अपन ने नीचे उतर जाना, ये कारण हो सकता है। कभी कभी सुसाइड सोशल आइसोलेशन से होता है, सोशली आइसोलेटेड है। अभी कोरोना के ये कार्यकाल में भी काफ़ी लोग आइसोलेट हो गए, अकेले अकेले रहते, फिर कुछ तो भी विचार आते रहते लोगों में। तो ऐसे ही आइसोलेशन बहुत बार लोगों के जीवन में आता है, और जब ऐसा आइसोलेशन आता है और एखादा विचार डिप्रेशन का अंदर घुस गया, फिर वो मल्टीप्लाई होते रहता है। तो सोशल आइसोलेशन एक कारण होता है। लोगों ने उसके ऊपर बहिष्कार डाल दिया, लोगों ने उसके साथ में बातचीत करने के लिए मना कर दिया या इनकार कर दिया, उसको अलग कर दिया, उसको आइसोलेट कर दिया, एखादे व्यक्ति को समाज में से निकाल दिया या अपने ग्रुप में से निकाल दिया, ग्रुप में से बाहर कर दिया। तो ऐसे कारण हो सकते हैं कि जिसमें उसका एक सोशल स्टेटस जो है वो कम हो गया, वो नीचे आ गया, तो वो सुसाइड करने के लिए उद्युक्त हो जाता है। क्या है कि जो व्यक्ति सुसाइड के विचार करता है, वो यदि धर्म को मानता है तो उसको काफ़ी सपोर्ट मिलता है। वो जॉइंट फैमिली में है तो उसको सपोर्ट मिलता है। जॉइंट फैमिली में लोग रहते हैं तो क्या होता है कि एक आदमी थोड़ा सा डाउन हो गया तो बाकी लोग देखने वाले रहते हैं, उसको लगता है कि नहीं, कोई ना कोई मुझे उठा लेगा, सपोर्ट देगा। अभी क्या है, न्यूक्लियर फैमिली है, उसको लगता है कि अभी मुझे कोई बचाने वाला है नहीं, अभी मैं यहाँ से भाग जाऊँ तो अच्छा है, ये दुनिया से मैं भाग जाऊँ, कोई मुझे बचाने के लिए आने वाला नहीं है। तो जब सपोर्ट निकल जाता है तो फिर अपने गुरु का सपोर्ट हो, अपने धर्म का सपोर्ट हो, जॉइंट फैमिली का सपोर्ट हो, तो सुसाइड के विचार काफ़ी कम हो सकते हैं और आदमी वहाँ बच सकता है। क्या होता है कि डिप्रेशन का पेशेंट या कोई भी पेशेंट जब सुसाइड करता है ना, तो उसके पहले उसने काफ़ी बार इशारे दिए रहते हैं कि मैं सुसाइड करने वाला हूँ। उसने कुछ ना कुछ छोटा मोटा अटेम्प्ट किया रहता है, उसने ऐसे विचार बोले रहते कि दुनिया में क्या फ़ायदा है, मरा तो अच्छा है, मतलब ऐसा ही अखरा अटेम्प्ट किया रहता है। तो कोई भी अटेम्प्ट जो है, तो वो अटेम्प्ट हमने लाइटली नहीं लेना चाहिए कि नहीं नहीं जो भोगता है वो काटता नहीं है, तो जो चिल्लाता है वो मारेगा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये अटेम्प्ट करेगा ही बाद में फिर, और ये समझ लो क्योंकि 10 में से 9 लोगों ने पहले इशारे दिए रहते हैं कि मैं सुसाइड करने वाला हूँ। तो कोई भी इशारा जो है वो आपने हल्का लेना नहीं चाहिए, वो अपने लाइट नहीं लेना नहीं चाहिए। क्या होता है कि जो डिप्रेशन में हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस के विचार आते हैं, तो वो दवाई लेने को भी तैयार नहीं रहता। उसको लगता है कि दवाई लेके क्या फ़ायदा है, कुछ फ़ायदा होगा नहीं, मेरा तो कुछ खरा ही नहीं है, दवाई से कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं, मैं दवाई लेता ही नहीं, मतलब वो दवाई से भी इनकार करता है, दवाई भी लेता नहीं। तो ये डिप्रेशन में और एक प्रॉब्लम होता है कि वो खुद को इतना नीचा देखता है, उसको इतना नर्वसनेस, हेल्पलेसनेस, सैडनेस आता है कि वो कुछ करने को तैयार नहीं रहता। मगर सुसाइड प्रिवेंट किया जा सकता है, क्योंकि वो जो विचारों की जो श्रृंखला चालू हो जाती है, वो यदि टूट जाए ना, तो आदमी बच सकता है। तो इसके लिए जो भी कोई ऐसा विचार कर रहा है, किसने ऐसा विचार बोल के बताया इसको डिप्रेशन है, तो उसको कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। वो दवाई लेता है कि नहीं वो देखना चाहिए,
एंटी डिप्रेशन बराबर ले रहा है क्या, उसके विचार कितने गहरे हैं, उसके पास में कोई ऐसी चीजें है क्या कि जो वो खुद को इजा कर ले सकता है, उस खुद को मार सकता है, उसके पास में टैबलेट देने का नहीं, सब पूरी टैबलेट अपने पास में रखने का है, कोई हथियार उसके पास में रखने का नहीं है, तो फिर क्या होता है कि वो एकदम ऐसा सुसाइड कर लेगा नहीं। जो भी डिप्रेशन का पेशेंट है उसके साथ में बैठना, फैमिली मेम्बर ने बातचीत करना, उसको बोलता करना, बोलते जाओ जो भी बोल रहा है सुनना है अपन ने, क्योंकि उसको बाहर ले जाना, एंटरटेनमेंट करवाना, पिक्चर दिखाने के लिए जाना, उसको लगता है कि कुछ नहीं करना चाहिए, मैंने चुपचाप रहना चाहिए, कुछ इसको इंटरेस्ट नहीं लगता, तो इसलिए वो भी नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर डिमांड नहीं डालना चाहिए, शांति से उसको सुनना, दवाई देना, उसके ऊपर कड़ी नज़र रखना कि सुसाइड ना करे, क्योंकि पहले ही मैंने बोला कि 90% पीपल उनके मतलब जो है जो सुसाइड करते हैं उनको डिप्रेशन रहता है 90-95%। तो वो यदि हम देखते हैं तो डिप्रेशन के लोग सुसाइड नहीं करेंगे, क्योंकि वो जो विचार है वो पर दो मोमेंट आता है, वो मल्टीप्लाई होते रहता है, वहाँ उसको रोक दिया, उसका लक्ष्य विचलित कर दिया, डाइवर्ट कर दिया, इधर उधर बातें कर दिया, उसको वहाँ से निकाल के बाहर लेके गए तो विचार निकल जाता है, उसकी जान बच जाएगी। तो आप जरूर करो और लोगों को ये वीडियो शेयर करो, ताकि लोग कभी भी उनके जीवन में ऐसा डिप्रेशन का थॉट भी आते हैं तो किसकी सपोर्ट लेंगे, क्योंकि आदमी लोग सपोर्ट लेते नहीं, देखो मेरे को हार्ट का प्रॉब्लम हो गया तो मैं सपोर्ट लूंगा, मैं डॉक्टर के पास में जाऊंगा, पेट का प्रॉब्लम हुआ मैं डॉक्टर के पास में जाऊंगा, तो बाकी कोई भी बीमारी के लिए लोग डॉक्टर के पास में जाएंगे, डिप्रेशन के लिए या कोई मानसिक बीमारी के लिए खुद होकर वो डॉक्टर के पास में जाता नहीं, लोग उसको लेके जाना पड़ता है। क्योंकि आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो, थैंक यू वेरी मच। गूगल स्टोर से आप डॉक्टर केयरकर ये नाम का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और ये ऐप में आप फ्री चैटिंग कर सकते हैं, अलग अलग ऑनलाइन कोर्सेस है वो डाउनलोड कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा अपने खुद के लिए फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू।